बैडमिंटन के सितारे लक्ष्य सेन ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए युवाओं को कहा कि खिलाड़ियों को लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं लक्ष्य सेन ने। काफी अच्छा टूर्नामेंट रहा मेरे लिए, आई थिंक आने वाले टूर्नामेंट में यही कोशिश करूंगा कि और बेहतर करूं और इंडिया के लिए और मेडल जीतूं। एंड मैं यही कहना चाहूंगा युवा के लिए कि जो आपका पैशन है आप उसको फॉलो कीजिए, एंड आप अपने अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं या कुछ भी फील्ड में आप हैं उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कीजिए। जी आई थिंक जैसे कि काफ़ी यंग टीम थी, आई थिंक पूरा जो कंटेंडेंट था काफ़ी यंग लोग थे, और उसमें जो भी मेडल्स रह गए आई थिंक वो एक सीख है हम सब के लिए। एंड आई थिंक आगे आने वाले टूर्नामेंट में हम कोशिश करेंगे कि उसको एक मेडल में कन्वर्ट करें और गोल्ड में कन्वर्ट करें। जी हाँ आई थिंक उनने जैसा कि मैंने बताया कि वो उस टाइम पे वो वहाँ पे थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट थे चीज़ों को लेके, एंड वो आई थिंक एज अ कोच आई थिंक आपको वैसा होना पड़ता है स्ट्रिक्ट थोड़ा बहुत। एंड यस आगे आने वाले टूर्नामेंट में भी मोदी जी ने कहा उनको भेजेंगे तो वो अच्छी बात है। लक्ष्य आप एक मास्टर स्ट्रोक था जो आपने क्वार्टर्स में खेला था, उसके बारे में कुछ बताइए। जी उसकी चर्चाएं पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। काफ़ी अच्छा स्ट्रोक था और वो ऐसे टाइम पे था कि उसकी काफ़ी ज़रूरत थी मुझे वो स्ट्रोक लगने की। बट यस वो एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मुझे मैं और किसी तरीके से वो स्ट्रोक नहीं खेल सकता था। यूजुअली ट्राई करते हैं कि आगे से खेलें या थोड़ा उसको सेफ रख के खेलें, बट वो शटल ऑलरेडी निकल गई थी। एंड इन प्रैक्टिस हमने कभी कभार कोशिश की है वैसा खेलने की, बट वो काफ़ी मुश्किल रहता है। बट आई मीन उस टाइम पे जो मेरा आई थिंक फोकस था और मुझे बस वो शटल पार करानी थी, आई थिंक उसमें मैं सफल हुआ। एंड